हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है बुटीक से। अरे बाप रे, उठ के आया है क्या? जीतते रहो। ओ देखो कैसा हुआ है विजय। हाँ, तेरा मैला बगाते हैं मम्मी बना। तो देखो वो लड़की है, तो मम्मी और नम्मू पहुंचे गांव से। कैसा रहा गांव में? अच्छा। ओह, तो अभी भी बेटा और सासू जी गांव से आए। वो गांव थे पिछले दिनों, जब से छुट्टियां लगे हैं ना स्कूलों के, तो नम्मू भी वहीं रहता है गांव में ही, क्योंकि वहां दक्ष घर आया है देवरानी का बेटा, तो उसके साथ खेलने के लिए उसका हो जाता है, क्योंकि यहां कोई होता ही नहीं है उसके बाद। तो वो आए हैं कुछ दिनों के लिए, फिर चले जाएंगे कुछ दिनों में ही। तो मैं अपना काम शुरू करती हूँ। जो मैंने कल कटिंग करे कितना सूट, वो मैंने सोचा था अभी सिलूंगी, सब धागे वागे सब सेट करके रखे थे, लेकिन अचानक आ गया मेरा ये है हमारी पहाड़ी पिछोड़ी, जिस तरह से पंजाबी लोगों की होती है ना सिर की चुन्नी, तो ये भी हमारा शुभ कार्य के लिए पहना जाता है। तो ये जब किसी भी लड़की की शादी होती है, तो शादी के दिन इसको पहनाया जाता है उससे, और इसी से उसकी शोभा बढ़ती है। तो ये कुमाऊँ क्षेत्र में ये पिछोड़ी रंगवाली कहते हैं इसको, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस होती है। तो ये प्योर कॉटन के कपड़े में है, और पहले के समय में कुछ इस तरह के लेस चलते थे, ये गोटा ये वाली जो है होती है लेस, दोनों तरह की, ये के वाली और ये के वाली, दो लगते थे। अब जो क्या है कि लोग अब जो सदा सौभाग्यवती वाला जो लेस आ रही है वो ज़्यादा जो है लगा रहे हैं, और अच्छा भी लग रहे हैं। जैसे ये 10-15 साल पहले की पिछोड़ी होगी, ये उन्होंने अपने शादी के समय पर लिया होगा, अभी भी एकदम बढ़िया है। बस ये है थोड़ा इसकी कलर चले जाता है, ये थोड़ा सा ख़राब हो जाता है ये वाला जो लेस है, तो इसको निकाल के दूसरा लगाना है। और तो इस पर सौभाग्यवती वाला लगेगा, और साइड में लगेगी किरण लेस, तो उसको किस तरह से लगाना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी अभी ये अचानक से आया, तो फिर इसको देना है पहले मेरे को आधे घंटे के अंदर। तो इसमें सबसे पहले जो ये पुरानी लेस लगी रहती ना, इसके धागे खोल दिए जाएंगे, तो जो ये पुरानी सिलाई होती है ना इसको खोल के, फिर थोड़ा सा ही खोलते पे ऐसे धड़ फट जाती है ये। तो इसको मैं पूरी तरह से ऐसे ही खोलती हूँ, अब ये दोबारा काम तो आता नहीं है ये वाली लेस, तो फिर इस पर नया लेस लगाऊंगी। उसकी पुरानी लेस खोलने के बाद अभी मेरे पास सिर्फ दो लेसें बची थी, ये वाली और ये वाली, पहले ही मैंने उनको दिखा रखी है ये, तो इस पर जो भी मैच करेगी। उससे पहले ये थोड़ी सी और भी अच्छी महंगी वाली थी, ये बिक गई है। इसके अलावा ये झालर वाली भी जो ये है, ये वाली भी अभी थोड़ी बची है, पिछौड़ी के लायक नहीं है। तो एक जो पिछोड़ी होती है ना उसमें पूरा एक बंडल लग जाता है, चाहे ये लगाओ या ये लगाओ पूरा लग जाता है। इसके अलावा उसके किनारे पे ये लगेगी किरण लेस, तो जो भी उस पर मैच करेगी ये वाली या दूसरी वाली, ये भी है, तो ये दोनों तरह की हैं, ये वाली भी जो मैच करेगी उसको हम उस पर लगाएंगे। तो जैसे ही मैंने चुन्नी उन्नी खोल खाल के उसकी पुरानी लेस खोली ना, अचानक से उस मशीन पे लाइट चलेगी, तो मैं आ गई इस वाली मशीन पे, पूरा लेस खोल लिया मैंने। तो इस पर उन्होंने बोला था ये वाला लगा दे, तो यही लगा रही हूँ, और किनारे पे ये वाली किरण लेस लगा रही हूँ। तो सबसे पहले ये वाला तो पीछे फेंक देती हूँ, सीधी साइड रखूँगी, सीधी साइड पर कहाँ क्या होगा, वैसे ही देर हो गई है, 15 मिनट से लाइट का वेट कर रही थी। इस बीच मैंने वीडियो में थंबनेल लगाया, वीडियो का थंबनेल बनाया, पिछले दिन जो ब्लॉग बनाया था मैंने उसमें अपलोड किया यूट्यूब में, शेड्यूल लगाया शेड्यूल पे। अब इसकी लेस लगाती हूँ मैं फटाफट 10-15 मिनट में लगा देती हूँ। उनसे बोला था मैंने आधे घंटे में ले जाना, अब आते होंगे वो, इसके नीचे ये दबा देंगे, फिर उसके नीचे चुन्नी, और फिर सिलते जाएंगे।
इस पे कोई उतनी पक्की सिलाई भी ना करो तो चल जाती है, एकदम थोड़ी सी कच्चे कच्चे सिलाई से भी ये खुलता नहीं है, मतलब कच्ची सिलाई भी अच्छी मजबूत वाली होनी चाहिए तो बस चल जाता है। तो इस तरह से पूरे में सिलते जाएंगे, इन दोनों को बराबर से पकड़ते जाएंगे और ऐसे बराबर से बिठाते हुए सिल लेंगे। इस तरह से तो ये झालर वाला एक ही साइड लगेगा, उस साइड ऐसे रहेगा। जब हम पूरे चारों तरफ ये करेंगे फिर इस साइड दोबारा सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। तो ये पिछौड़े में लैस लग के भी तैयार हो चुका है, देखिए कुछ इस तरह से पूरा लगाया। हालांकि ये थोड़ा सा मैरून कलर का था लैस, उन्होंने रेड कलर का ही लगाने के लिए बोला था। तो इस टाइप के पिछौड़े में ना हरे, लाल, जो भी है मैरून सब चल जाते हैं लैस, तो उतना वो भी नहीं लग रहा है कि ये मैरून है ये रेड है, लेकिन मैरून के साथ मैरून ही होता है तो तब भी अच्छा लगता, लेकिन उन्होंने यही लगाने के लिए बोला था तो मैंने लगा दिया है। और किनारे पे ये वाली लैस लगाई मैंने, ये पूरी लगाई बैक साइड से, उल्टे साइड से कुछ इस तरह की फिनिशिंग और सीधे साइड से कुछ इस तरह की, तो ये सुंदर लग रहा है। तो इसी तरह से ये कम्प्लीट होता है, आपको दिखाया था मैंने, ये थोड़ा सा फटा वाला है। तो इस तरह से ये पूरी चुन्नी जो है कंप्लीट होती है।